देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, जिसके बाद पीएम ने अपने 10 साल के कामकाज के पाई पाई का हिसाब देश के सामने रखा। साथ ही अगले साल फिर से लाल किले से अपनी उपलब्धियां गिनाने का वादा किया। इस तरह से पीएम मोदी ने 2024 में अपनी वापसी की भविष्यवाणी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ भारत सरकार की तरफ से ज्यादा थे, लेकिन पिछले 9 वर्ष में ये आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पीएम ने कहा कि पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार से 70,000 करोड़ जाता था, लेकिन अब वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। पहले गरीबों के घर के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, लेकिन आज हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में देश दुनिया की पहली 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में जगह बना लेगा। पीएम ने कहा कि लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डंबाडोल किए थे, इस लीकेज को हमने बंद कर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। मोदी ने कहा कि पिछले 5.5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और मध्यम वर्ग की शक्ति बन रहे हैं। गांव की शक्ति बढ़ने का मतलब शहरों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ना है, हमें इसे बल देकर आगे चलना है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, ये मोदी है जो समय से पहले नई संसद बनाकर दे दिया। पीएम ने कहा कि ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज परिवारवाद और तुष्टिकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार का कैसे हो सकता है। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की शक्ति का दावा करते हुए कहा कि आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश और सीमा सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। पीएम ने कहा कि आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव की बात कही। पीएम मोदी ने G20 पर बोलते हुए कहा कि भारत को जानने और समझने की विश्व के लोगों की इच्छा बढ़ी है, स्किल इंडिया से भारत के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत दुनिया के सारे मापदंडों को पूरा कर रहा है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति एक नई आशा पैदा हुई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि सपने अनेक हैं, संकल्प भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट हैं। मोदी ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण कर रहे हैं, इसका शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, आप लिख कर रखिए, इसका उद्घाटन भी आप सब ने मेरे नसीब में ही छोड़ रखे हैं।